हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभि मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अभि मित्तल ब्लॉग्स। हमारे पास MCC का एक लेटेस्ट नोटिस आ चुका है फॉर UG और PG काउंसलिंग 2021। जब कल 6 डेट को फैसला आ गया था कि जो रिजर्वेशंस है वो रखे जाएंगे और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसके बाद हमारे पास आज एक नया नोटिफिकेशन 7 तारीख को आ चुका है। MCC ने जो लॉन्च किया है अपनी काउंसलिंग की वेबसाइट पे UG और PG बोथ के लिए, आज मैं अभी आपके साथ वही जो नोटिस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए तो यू गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नोटिस है किसके लिए? कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन PG UG 2021 काउंसलिंग, ये उनके लिए होगा जो PG और UG 2021 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स who are participating in UGPG 2021 counseling. It is informed that to all candidates that Honorable Supreme Court in WP number 961, मतलब जो writ petition थी 961 जो थी और जो सुप्रीम कोर्ट में केस हो रहा था अभी तक, उस पर जो 6 डेट को फैसला आया था, ये उसी की ये लाइन दी गई है, उसी के बारे में ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। वाइड ऑर्डर डेटेड 7/7/1/2022 हैज अप्रूव्ड दैट रिजर्वेशन पॉलिसी हैज मेंशन्ड इन नोटिस डेटेड 29 जुलाई, कॉपी अटैच। इसके अंदर जो 29 जुलाई को जो आया था वो भी अटैच है, जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो नोटिस आया था कि EWS और OBC का कोटा मिलेगा। Therefore, the said reservation policy for 15% AIQ seats UG and 50% AIQ seats PG for academic year 2021 and 22 is as under। यहाँ पे इतने रिजर्वेशन दिए जाएंगे। किस किस को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा मैं अभी आपको साफ बता देता हूँ। SC को मिलेगा 15% कोटा, ST के बच्चों को मिलेगा 7.5% कोटा, जो हैंडीकैप होते हैं जो PWD के अंडर में आते हैं 5% कोटा दिया गया है। OBC के जो बच्चे हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं एज पर द सेंट्रल OBC लिस्ट, उसमें 27% कोटा दिया गया है और EWS को 10% कोटा दिया गया है। काउंसलिंग शेड्यूल फॉर नीट PG एंड UG काउंसलिंग विल बी सून अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MCC। इन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी जो MCC की साइट है वहाँ पे अगला नोटिस है वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा कि कब से काउंसलिंग हमारी जो है वो स्टार्ट होगी। अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या बता रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे जो रिट पिटीशन लगी हुई थी वो वाली पूरी की पूरी, यहाँ पे जो पिटीशन थी उस पर जो केसेस हुए, उस पर जो हियरिंग हुई, वो सब यहाँ पे मेंशन है। और ये सभी अगर आपको सुनना है तो मैंने इस चैनल में पहले लाइव स्ट्रीम कर रखी है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। लास्ट में जो डिसीज़न आया था वही यही था कि इस बारी जो EWS और OBC का कोटा है वो रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द EWS नोटिफाइड ऑन 2019 शैल बी यूज फॉर identifying the EWS category for candidates who appeared for NEET PG 2021 and NEET UG 2021। मतलब अब की बारी जो 21 में एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर वही कोटा रखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और ये नोटिस आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2022 को हमारे पास आया है, ठीक है। आप ये यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं, 7 जनवरी, यही लेटेस्ट नोटिस है जो अभी आया हुआ है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर दिस, आप हमारे साथ हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।